हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज मैं आपके लिए दो लेटेस्ट अपडेट लेकर आई हूँ, जिसमें एक आ चुका है येस बैंक की तरफ से और एक पोस्ट ऑफिस की तरफ से अपडेट आ चुका है, जो कि अलग अलग वैकेंसीज का है। काफ़ी सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे कि पोस्ट ऑफिस में वैकेंसीज कब आएंगी लेटेस्ट, तो आ चुकी हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या रहने वाली है एलिजिबिलिटी, वन बाय वन दोनों का कवर करेंगे। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मैं येस बैंक की बात करूं चाहे पोस्ट ऑफिस की। और इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। एप्लीकेशन फी जो है वो येस बैंक के लिए नहीं है, पोस्ट ऑफिस के लिए है, जो हम आगे कवर करेंगे कितनी फ़ी आपको देनी होगी। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन, सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वेबसाइट आप देख भी पा रहे हैं। आप चाहो आप इसको डायरेक्टली गूगल पे टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन लेकर वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे रिक्रूटमेंट के, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे येस बैंक का जो अपडेट है उसके बारे में, देन हम डिस्कस करेंगे जो पोस्ट ऑफिस का अपडेट है उसके बारे में। येस बैंक का जो अपडेट आया हुआ है, इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप ये वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसमें वैकेंसीज की बात करें, तो इसमें काफ़ी टाइप की वैकेंसीज आउट की गई हैं, जिसमें सबसे पहले जो पोस्ट आउट की गई हैं रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसीज हैं, उसके बाद कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट अगर पोस्ट की बात करें ब्रांच मैनेजर की है, उसके बाद असिस्टेंट प्रेसिडेंट की वैकेंसीज में आउट की गई हैं, एसोसिएट की वैकेंसीज आउट की गई हैं, KYC एसोसिएट के लिए वैकेंसीज भी आउट की गई हैं, उसके बाद सेल्स ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो पर्सनल बैंकर की वैकेंसीज आउट की गई हैं, उसके बाद सेल्स हेड की वैकेंसीज आउट की गई हैं, सेल्स ऑफिसर CASA डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज हैं, क्रेडिट मैनेजर के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं। उसके बाद अगर हम वैकेंसीज की बात करें, तो इसमें कलेक्शन डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज भी है, मैनेजर की वैकेंसीज भी आउट की गई हैं, रिलेशनशिप पार्टनर की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीनियर ऑफिसर की वैकेंसीज है, जो इसके लिए आउट की गई हैं। तो इसमें अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ, आपकी एज मिनिमम 18 है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एज इसमें है एज पर नॉर्म्स रहती हैं, जैसे वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है। जो फ्रेशर्स के लिए है उनके लिए अलग एज होती है, अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनको अगर रिक्वायरमेंट है उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, 48-50 तक भी हायरिंग हो जाती है। तो अगर आप इस एज में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, मीन्स क्वालिफिकेशन की, वो आपको अपने अकॉर्डिंगली चेक करनी है, बिकॉज हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज इसमें आउट की गई हैं। इंडिया में किसी भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन भी आपकी इसमें अक्रॉस इंडिया ही रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कोई भी पे नहीं करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैलरी की, तो इसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है 18,000 रहती है, मैक्सिमम जो है वो अराउंड आपकी 50-60 रहती है, वो अलग अलग पोस्ट वाइज डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन वैकेंसीज के लिए आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो पहला लिंक प्रोवाइड किया है येस बैंक का ही किया है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके लास्ट में आपको मिल जाते हैं रिक्वायर्ड लिंक, जिसमें पहला लिंक आप देख पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे, आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अलग अलग पोस्ट का ये लिंक है अप्लाई ऑनलाइन का। सपोज दैट आप फर्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करें, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपका पहला स्टेप रहने वाला है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करें मस्ट होती है, चाहे एप्लीकेशन की फ़ी हो चाहे ना हो, वो आपको हर कंडीशन में करनी होती है। उसके बाद आपको सिंपली लॉगिन करके अप्लाई कर लेना, जिसमें आपको अपना नेम मेंशन करना है, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन एंड अदर रिक्वायर्ड डिटेल्स मेंशन करके आपको सिंपली फॉर्म को सबमिट कर देना है।
इसी तरीके से अगर आप अप्लाई करेंगे कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी क्लियर किया, दोनों को नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम नहीं है, चाहे पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करें उसमें भी एग्ज़ाम नहीं है। तो इसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होने वाली है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होने वाली है। ये भी अलग अलग पोस्ट वाइज डिपेंड करता है, कुछ वैकेंसीज के लिए सिर्फ आपकी इंटरव्यू होगी और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होने वाली है। कुछ वैकेंसीज ऐसी जिसमें आपकी पहले पर्सनल इंटरव्यू रहेगी, फिर ग्रुप डिस्कशन आपका राउंड रहेगा, उसके बेसिस पे आपकी इन वैकेंसीज के लिए सिलेक्शन होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस का जो अपडेट आया हुआ है वो कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए हैं, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। अब हम बात करें जो पोस्ट ऑफिस का अपडेट है उसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है। तो पोस्ट ऑफिस का जो अपडेट है, इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया हुआ है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल करना है, अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करनी है, अपना नेम मेंशन करना है, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, कब आपने पास आउट की है, कहां से पास आउट की है, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है फिल करके लास्ट में आपको अपनी डेट मेंशन करनी है, सिग्नेचर करके इनके गिवन एड्रेस पे आपको सेंड कर देने हैं। उसके बाद अगर हम लास्ट डेट की इसके लिए बात करें तो 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। बहुत टाइम है आपके पास, 18 अगस्त तक आपके जो फॉर्म है वो इनके एड्रेस पर पहुँच जाने चाहिए, तो आपको अप्लाई जल्दी से जल्दी कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम इसके लिए बात करें आपकी इसमें सैलरी क्या रहने वाली है, तो इसमें अलग अलग पोस्ट वाइज सैलरी है। स्टार्टिंग जो है 18,000 है, मैक्सिमम जो सैलरी है 81,100 आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। अगर इसमें एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन की फ़ी रहने वाली है जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। SC ST या फिर अदर कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ कोई फ़ी आपको पे नहीं करनी है। और जनरल OBC की जो फ़ी है वो भी आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के भेजना है, जो उन्होंने मेंशन भी किया हुआ आप रीड कर लेना। उसके बाद अगर हम वैकेंसीज की बात करें, सबसे पहले इसमें पोस्ट आउट की गई है पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट की। इसके लिए आपकी जो सैलरी रहने वाली है 25,500 से 81,100 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, 12th पास है है आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम पोस्ट के आउट जो हुई है उसकी बात करें, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं। आपको पता है ये वैकेंसीज अलग अलग लोकेशन वाइज आती है, अब बहुत टाइम के बाद ये वैकेंसीज आउट की गई हैं। इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 18,000 से 56,900 आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए बात करें इसमें आपकी क्या रहने वाली है क्वालिफिकेशन, तो 10th पास एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अगर 12th पास अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और जो मैंने आपको पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज बताई है इसमें ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है, अप्लाई करना इन वैकेंसीज के लिए स्टार्ट हो चुका है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें वो उन्होंने डिस्क्राइब नहीं की है, एज पर नॉर्म्स इसमें रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, एज लिमिट दोनों पोस्ट की बिल्कुल अलग अलग है। जैसे अगर मैं पहली पोस्ट की बात करूँ, पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट है या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करूँ, इसमें आपकी एज मिनिमम 18 है, आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 27। इसके अलावा आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जैसे OBC को 3 साल का, SST को 5 साल का एंड अदर्स को एज पर नॉर्म्स इसमें रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम पोस्ट की बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपकी एज मिनिमम 18 है, आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 25 है, तो आप एलिजिबल हैं इन वैकेंसीज के लिए, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन के साथ एप्लीकेशन फॉर्म अटैच है, उसको आपको फिल करके इनके एड्रेस पे सेंड करना है। ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है इन वैकेंसीज के लिए, पहले भी ऑफलाइन होता है, अभी भी आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। अगर वैकेंसीज के टाइप की मैं बात करूँ तो ये जो वैकेंसीज है अंडर स्पोर्ट्स कोटा आउट की गई है। अगर आप आते हैं इन कैटेगरी में तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेल कैंडिडेट हैं चाहे फीमेल कैंडिडेट है। अप्लाई करना है, मैंने आपको पहले भी बताया, स्टार्ट हो चुका है, आपको जल्दी से जाकर अप्लाई कर लेना है, बिकॉज ऑफलाइन है, एप्लीकेशन उनको रिसीव होने में भी टाइम लग जाता है। तो आप अगर एलिजिबल है अभी जाकर आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। दोनों लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पहला येस बैंक का, सेकेंड आपको मिल जाएगा पोस्ट ऑफिस का। क्लिक करके इन्फॉर्मेशन लेकर आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई ज़रूर से कर लेना है। बाकी इसके अलावा जो वैकेंसीज आई है हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है,
विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चैनल पर भी वीडियोस अपलोडेड है, इसके अलावा जो वैकेंसीज आई है चैनल पर प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिए, चेक जरूर कर लेना वैकेंसीज के लिए और अप्लाई भी आपको ज़रूर से कर लेना है। बाकी आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।